तारीख को सीएम ने वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक घंटे की मीटिंग ली, जो मैंने डिमांड की थी उनकी तरफ से कि मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पे बहुत विकास कम हुआ है वर्सोवा में, आज तक मतलब हुआ ही नहीं ऐसा मेरा कहना है। तो उनसे मैंने मांग की थी कि हमें एक मीटिंग दीजिए पूरे सब सचिव वगैरह सब लेके, और यहाँ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी विकास नहीं हुआ है उसके बारे में मीटिंग लगवा दीजिए। तो 26 तारीख को उन्होंने हमें टाइम दिया था रक्षा बंगले पे 1:30 बजे, और एक घंटे की अच्छी मतलब एक मीटिंग हो गई। जहाँ तक कि मैं कहूँगी कि आगे का अभी जो भी विकास होगा उसका क्रेडिट मैं सीएम साहब को जरूर दूँगी, उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय लिए। सो मैम, हमारी जो इंटरव्यू है आज वो प्रोग्रेस को लेके ही है। वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी एक साल में काम हुआ है या जो 4 साल में आगे होने वाला है, जो भी आपके प्लान्स हैं, विजन है, सब उसके बारे में ही आप मतलब जो आप हमारी जो आपके वोटर्स हैं, हमारे रीडर्स हैं, उनको जो आप कहना चाहें अपनी तरफ से आप बताइए। जितने भी यहाँ की समस्या है और विकास अलग है और समस्याएं अलग है, तो समस्याओं के लेके लोग तो इतने मतलब मिलने के लिए आते हैं। जैसे अभी मैं जब इलेक्शन के वक्त घूम रही थी, यहाँ वहाँ जाके लोगों से वोट देने के लिए मांग कर रही थी, तब लोग हमेशा मुझे बोलते थे कि हमारे बिल्डिंग में इतना कचरा है, प्लीज उठाइए तो आपको 1,000 वोट मिलेंगे, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है आप सॉल्व करवा दोगे तो हम 2,000 वोट देंगे। मतलब जो कॉर्पोरेटर्स का काम होता है वो सब मतलब ऐसा लगता है वो देख के कि यहाँ पे वो काम भी वहाँ पे ठीक से नहीं हो रहा। इसलिए फिर मैंने कहा जो भी मैंने उनको आश्वासन दिया वो पूरा करने का मैंने इंडिविजुअल लेवल पे भी मैंने हेल्प की है उसके बारे में कि जिस जिस सोसाइटी ने मुझे बोला कि यहाँ हो रहा है या चाल में बोला है या आनंद नगर जैसे वहाँ पे नगर में बोला है और गांव में बोला है वर्सोवा गांव, वहाँ के सब प्रोमिसेस जो भी है वो मैं मतलब पूरे करने की पूरी कोशिश में थी। और दूसरी बात जो है समस्याओं के विकास की जो मैंने अभी कहा, तो उसके लिए मैंने वो पूरी मीटिंग सीएम साहब के साथ लगवाई थी। वहाँ पे हमारे महापालिका के आयुक्त आए थे और दोरजी जी आए थे जो यहाँ के पुलिस के प्रमुख हैं, और सिंह गुप्ता जी थे, एसआरए के प्रमुख थे, कलेक्टर थे, मेरी टाइम बोर्ड के चेयरमैन थे, आयुक्त थे, मत्स्य जो विभाग है उसके सचिव थे, और एमटीडीसी के चेयरमैन थे पराग जैन जी, और पर्यावरण सब मतलब जो भी हमारे रिलेटेड यहाँ के विकास के प्रॉब्लम के लिए है, मनीषा मेस्कर जी थी जो सचिव है नगर विकास की, सबको बुलाया था। और हमारे यहाँ 3 ब्रिज के लिए मैं बहुत मतलब उसके ये हो पीछे पड़ी थी कि वो जल्दी से हो जाए। अभी यहाँ ऐसे कि ट्रैफिक की बहुत समस्या है, तो इस हिसाब से वो प्रस्तावित 3 ब्रिज थे लेकिन एक ब्रिज जो है वो पोस्टल में चला गया है, दूसरा डीपी में नहीं दिख रहा है, और एक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, अभी 3-4 महीने में स्टार्ट हो जाएगा जो वामन राव महाड़ी जो हमारा नगर है वहाँ से रास्ता है, वहाँ से अमरनाथ टावर तक जो ब्रिज है वो हमारा वहाँ से स्टार्ट हो जाए। और दूसरा ब्रिज है वो नए डीपी में अभी दिखाई देगा, इस टाइप का प्रॉमिस वहाँ पे हमारे जो आयुक्त थे उन्होंने ट्राई करने के लिए उन्होंने बोला है, क्योंकि सीएम ने उनको बताया कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है तो उसके लिए आपको करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे जो पाटिल गली में जो चौपाटी है, बड़ी चौपाटी है हमारे यहाँ, ये वर्सोवा जो सागरकुटी है वहाँ आधा एरिया तो मतलब वहाँ से अमित साटम जी के एरिया में जाता है, वहाँ पे अभी जो चौपाटी डेवलप हो गई है उसका नाम भी अंधेरी वेस्ट व्यू कर दिया है अभी। और यहाँ जो हमारी वर्सोवा की है तो पाटिल गली से जो चौपाटी है उसको हम MTDC के द्वारा विकसित करने वाले हैं, वो मतलब वहाँ पे निर्णय हो गया है कि वहाँ की जो चौपाटी है वो अच्छा एक पर्यटन स्थल वहाँ पे हो जाएगा और लोगों को मतलब जुहू जाने जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से हम उसको डेवलप करने वाले हैं। और लोखंडवाला लेक जो है यहाँ पे उसको भी MTDC डेवलप करने वाले, एक अच्छा वहाँ पे मतलब लोगों को
जाने आने के लिए या शाम को या सुबह भी एक ब्यूटिफिकेशन करके एक अच्छा लेक पर्यटन स्थल के जैसे वहाँ पे भी हम बनाने वाले हैं। तीसरी बात हुई जेट्टी की, जिसके लिए मुझे नितिन गडकरी जी ने भी CRF फंड से 40 करोड़ रुपए मंजूर करवा दिए और बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट से होंगे। तो ऐसा चल रहा था कि मेरी टाइम बोर्ड ये करेगी या PWD करेगी, तो निर्णय हो गया कि PWD वहाँ पे जेट्टी बांधने की, उसकी जगह वगैरह सब फिक्स है और वहाँ का मतलब सर्वे भी हो चुका है, लेकिन अभी आगे क्या करना है क्या नहीं, फंड्स तो मंजूर हो गए तो उसके पीछे हम लोग अभी पड़े हैं। तो वहाँ पे भी CM साहब ने निर्णय ले लिया कि ये सब अभी PWD बांध के देंगे, तो जेट्टी का भी हमारा ही हो गया है। तीसरी बात हुई कि हमारे समुंदर में जितने भी ये है मतलब कचरा और या केमिकल्स वगैरह आते जाते रहते हैं उसमें, तो जो गार्ड होते हैं वहाँ पे जो ये हुआ है 30 से 35 लाख क्यूबिक मीटर इतना है लगातार मैं अगर बोलूँ तो वो निकालने के लिए अभी 4.5 कोटी वहाँ पे मंजूर हो चुके हैं। मैंने DPDC मीटिंग में रखे थे तो वहाँ से 4.5 कोटी मंजूर हो गए, लेकिन उसमें से वो नहीं होगा, इतना है 30 से 35 लाख क्यूबिक मीटर गार्ड मतलब बहुत है, तो उसके लिए ज़्यादा निधि लगेगा और निधि भी लोगों की मतलब उनको ये करने के लिए भी ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए उन्होंने निर्णय दिया कि इसका मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, तो इसके लिए मॉनिटरिंग के भी आदेश उन्होंने दे दिए CM साहब ने उस दिन, और वहाँ पे अभी नियमित स्वरूप से वहाँ का गार्ड निकाला जाएगा जो भी गार्ड वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे कोली बांधव है तो उनका जो उनकी जो ये होती है बोट वगैरह होती है उसमें अटक जाती है या तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इसके लिए वो एक प्रायोरिटी तौर पर मैंने ये के लिए करवा दिया। तो अभी उन्होंने वहाँ पे CM साहब को बता दिया कि मॉनिटरिंग भी होगा और आगे से नियमित स्वरूप से वहाँ पे निकाला जाएगा। और आगे की एक उनकी बात है कि डीजल का परतावा होता है उनका, मतलब जो फिशरीज हमारे जो काम करने वाले कोली समाज के लोग, तो जो भी कोली समाज के लोग हैं उनको डीजल का परतावा जो देना चाहिए, वो December 2013 का नहीं दिया और January 2014 का दे दिया और उसके आगे से दिया ही नहीं। मैंने विधानसभा में भी आवाज़ उठाई थी तो फिर 2 महीने का दिया था, लेकिन इसके लिए फिर मैंने उनसे डिमांड की थी कि हमारे कोली समाज के जितने भी लोग हैं उनको मतलब ऐसा है कि उनके वांदे इतने हो रहे कि खाने पीने के वांदे हो रहे, नहीं मिलता है तो उनकी बोटिंग नहीं चलती है, डीजल का परतावा नहीं मिलता है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये अभी कैबिनेट में ही निर्णय होगा, क्योंकि ये खाली वर्सोवा की बात नहीं है पूरे कोली समाज की बात है, तो वो भी नियमित स्वरूप से दिया जाएगा ऐसा उन्होंने कहा है। अभी यहाँ पे जो ओशिवरा में प्रसूति गृह है 53 नंबर वार्ड में है, वहाँ के लोगों की बहुत डिमांड थी कि वहाँ पे OPD चले, जनरल OPD, क्योंकि पहले वो कूपर हॉस्पिटल वहाँ का काम चल रहा था तो उन्होंने आधा कूपर हॉस्पिटल वहाँ पे बसा दिया था, तो लोगों को आदत हो गई थी, तो उनकी डिमांड थी कि सब लेके गए, अभी यहाँ पे खाली प्रसूति गृह है तो हमें बहुत लंबा पड़ता है कूपर हॉस्पिटल, तो उनको मैंने कहा कि यहाँ पे हमें OPD स्टार्ट करवा दें, तो वो भी एक निर्णय वहाँ पे हो गया है। और सागर कुटी का एक बड़ा निर्णय वहाँ पे मैंने करवा लिया। सागर कुटी का ऐसा है कि बहुत सालों से वो सागर कुटी के लोग वहाँ पे रहते हैं और पुराने हैं, उनके पास फोटो पास है, वोटिंग कार्ड्स है, सब है, लेकिन वो जगह ऐसी है कि वहाँ से अगर बरसात के दिन वो रहते हैं तो वहाँ पे रह नहीं पाते, कुछ भी मतलब एक्सीडेंट हो सकता है या बाढ़ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उनकी प्रॉब्लम कब से चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, तो मैं इसका हल मतलब ऐसा है कि ऊपर का हल नहीं निकालना चाहती थी, पूरे ही मतलब हल निकल जाता है तो उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी और वो चौपाटी भी खाली हो जाएगी, इसलिए मैंने वहाँ पे उनके सामने मांग रखी थी कि इनको नज़दीक वाले कोई SRA प्रोजेक्ट में उनको अगर आप समाविष्ट कर लेते हैं तो वो उनके लिए वो अच्छा रहेगा और नज़दीक में उनको घर मिल जाएगा, जो भी लोग हैं उनका सब सर्वे करके पूरे जो भी
2000 पहले के जो भी झोपड़वासी है तो उनका सब कार्ड वगैरह चेक करके, तो असीम गुप्ता जी ने वहाँ पे ये बोल दिया कि हम तैयार हैं, उनको वहाँ पे शिफ्ट करवा देंगे, तो उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब आज तक उसका कोई सॉल्यूशन निकला ही नहीं था, तो मेरे हिसाब से वो एक बड़ा निर्णय वहाँ पे हो चुका है। दूसरा, महिलाओं के लिए यहाँ पे जो स्वच्छता गृह है, टॉयलेट्स है, वो बहुत कम है वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी। और मैंने पूरा सर्वे किया चुन के आने के बाद, मैंने कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिसके मैंने सर्वे करवा लिए, तो स्कूल में कितने हैं या झोपड़पट्टी में कितने हैं, महिलाओं के लिए क्या क्या कर सकते हैं इस टाइप से। तो लगभग मुझे 350 राइट टू पी, जैसे उनके लिए कम पी है, तो उसकी भी मैंने डिमांड की है कि स्वच्छ भारत के तौर पर, स्वच्छ महाराष्ट्र के तौर पर, स्वच्छ वर्सोवा हमारे यहाँ पे अगर होता है तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि 350 बांधने चाहिए। तो हम उनको, उन्हें बता दिया है हमने कि हम आपको जगह दिखाएंगे, आप भी सर्वे करवा लीजिए ताकि प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ की सुरक्षा जो है हमारे यहाँ की वर्सोवा की, तो उसके लिए मैंने कहा कि महिलाओं के लिए हो या पूरा ही सुरक्षा के लिए हमें CCTV की ज़रूरत है। तो वहाँ पे 57 CCTV हमारे वर्सोवा में लगने वाले हैं, ऐसा वहाँ पे ये हो मतलब बताया गया पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि यहाँ पे 57 CCTV यहाँ पे लगवाने वाले हैं। वो भी एक अच्छा निर्णय भी वहाँ पे हो गया, और उससे हमें सुविधा हो जाएगी कि मतलब जो भी हम सोचते हैं कुछ हो जाता है सुरक्षा के मामले में, तो हमारे लिए एक ग्रुप बन जाता है, और लड़कियों के और औरतों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे RTO का रास्ता मैंने खुलवा दिया है, क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन ये बात मैंने उनके केस में भी मैंने उनके सामने रखी हुई चीज़ें मैं आपके सामने रख रही हूँ, कोई रह ना जाए इसलिए हाथ में ले लिया है। तो जो कई सालों से, आप जानते हैं आप यहाँ पे कई सालों से रह रहे हो, तो कई सालों से वो रास्ता बंद। मैंने BMC को लेकर लिखा, उन्होंने कहा हमारा एरिया नहीं है। मैंने PWD को लिखा, उन्होंने कहा हमारे हद में आता नहीं है। मैंने RTO से लिखा, उन्होंने कहा ये हमारे हद में नहीं आता है। मैं बोली आता किसके हैं, मैं समझ नहीं पा रही थी, इसलिए फिर मैंने ये मसला CM साहब के सामने रख दिया। लेकिन देखो मिरेकल ऐसे हो गया कि ऐसे मीटिंग की तारीख तय हो गई थी, उसके पहले दिन ये अपने आप खुल गया। कैसे खुल गया, किसने खुलवाया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उस मीटिंग में भी CM साहब से कहा कि देखिए आपके खाली इसमें एप्लीकेशन लेटर में मैंने खाली लिख दिया कि ये बंद है, लोगों की सुविधा के लिए आप ये खुलवा दीजिए, तो ये खुल गया। तो मैं बोली बार बार हमारे लिए आप मीटिंग लीजिए ताकि ऐसे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे सभी हमारे समस्याओं के। तो एक अच्छा वो भी हो गया, मतलब पहले हो गया उसके। तो दूसरा एक है कि हमारे यहाँ रेशन का जो ऑफिस है वो अंधेरी पश्चिम और वर्सोवा के लिए एक ही इसमें है, अंधेरी वेस्ट में है, और वहाँ पे हमें इतनी असुविधा होती है कि हमारे लोगों के काम ही नहीं होते। पहले दिन मैं गई थी तो वहाँ पे लाइट भी नहीं थी, हमने फिर रिलायंस को फोन करके वगैरह पहले मीटिंग में मुझे वहाँ पे लाइट लाने पड़ी। तो सीधा वाटर जो कार्यालय है हमारा, तो उसके लिए मैंने जब से चुन के आई हूँ उसके पीछे पड़ी थी मैं कि हमारे लिए अलग होना चाहिए, यहाँ के लोगों को सुविधाजनक होना चाहिए। वहाँ पे भीड़ हो जाती है, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3.5-3.5 लाख लोग होते हैं, और अगर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कार्यालय में स्टाफ भी कम होता है, और इतने लोगों को अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी मांग थी कि आप हमें दे दीजिए, तो उसके बारे में भी CM साहब ने आयुक्त से कहा है कि आप यहाँ पे कार्यालय के लिए जगह दे दीजिए। मैंने मीरा टावर के बाजू में वहाँ पे सेकंड फ्लोर है और एक ग्राउंड फ्लोर है, उसमें से कोई भी एक हमें दे दीजिए सीधा वाटर कार्यालय के लिए, ऐसी डिमांड रखी। अभी वहाँ से निर्णय हो जाएगा तो हमारा रेशन का ऑफिस भी अलग से खुल जाएगा। दूसरी बात यहाँ की थी शमशान भूमि के, यहाँ पे अभी मैंने बीच में शमशान भूमि के लिए
विजिट की, क्या सुविधा है क्या नहीं है। बीच में मैंने सब जगह विजिट कर पहले करवाई, क्या क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं समझ लिए थे। तो शमशान भूमि में एक तो विद्युत दाही निकलना बहुत ज़रूरी है, दूसरी बात है कि उसको कंपाउंड वॉल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे अंदर वो गर्दुल्ले आ जाते हैं या तो फिर झोपड़पट्टी भी वहाँ पे बाहर से इधर उधर से लोग रहने लगे हैं खड़ी करके, और कुछ अलग काम भी हो रहे हैं। मतलब मुझे दिखाई दिया कि ठीक नहीं चल रहा है, अनधिकृत जो भी खड़ा हो रहा है। तो और एक बात ऐसी है कि वहाँ पे अगर छोटे बच्चों को वहाँ पे अगर बरी किया जाता है तो मतलब बोलने को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुत्ते वगैरह आके वो सब जो कुछ मिट्टी निकाल के कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब अच्छा दिख नहीं रहा है कि जो हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा था कि उसको एक सिक्योरिटी गार्ड आप हर शमशान भूमि को लगा दीजिए और कंपाउंड वॉल लगा दीजिए, जो भी अनधिकृत है वो भी निकाल दीजिए और विद्युत दाहिनी वहाँ पे शुरू कर दीजिए। ये मेरी डिमांड थी और उसके ऊपर भी निर्णय हो गया कि ये उनकी तरफ से हो जाएगा, ये बहुत मतलब अच्छा हमारे लिए रहेगा। तीसरा भाग था कि यहाँ पे कुरेशी कंपाउंड है, कुरेशी कंपाउंड में उन्होंने अनधिकृत कंपाउंड वॉल लगा के रखा है और लोगों को सुविधा नहीं हो रही है वहाँ पे जाने आने के लिए, बहुत सालों से लगा के रखा है, मुझे लगता है 2005 से या 4 से कुछ लगा है। तो जैसे आरटीओ की वहाँ के लोगों की डिमांड थी, वैसे इन लोगों की डिमांड थी कि हमारा रास्ता खुलवा दीजिए करके। तो मैंने सब जगह लेटर्स भिजवा दिए लेकिन कोई खोल ही नहीं रहा था, उसी टाइप से सब हो रहा था। तो उसके बारे में भी मैंने कहा कि ये लोगों की सुविधा के लिए आप खोल दीजिए। तो असीम गुप्ता जी ने वहाँ पे कहा कि मैं पूरी जानकारी लेके जैसे भी लीगली चेक करके वहाँ से वो हटवा देता हूँ, ऐसा उन्होंने सीएम साहब के सामने बोल दिया। वो भी एक तो मतलब लोग वहाँ के लोगों के लिए, लगभग 15,000 लोग हैं वहाँ पे। उन्होंने वोटिंग के वक्त मुझे बोला था कि मैडम अगर हम आपको चुन के देते हैं तो पहले ये आप दूर करवा दीजिए, ऐसी मतलब घूमती रहती थी। तो मेरे सामने लोगों ने इस टाइप से प्रस्ताव रखे थे कि ये करवा दोगे तो हम आपको वोट देंगे, ये तो मतलब एक अलग ही हो गया। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरे पहले ही मेरे सामने सब समस्या आ चुकी है, तो अभी मुझे काम करने में सुविधा हो जाएगी, बाद में जाके देखने की भी ज़रूरत नहीं लोगों को और क्या चाहिए। और यहाँ पर अभी लोखंडवाला में जो अनधिकृत जो रात में सब चलता है, मतलब ट्रांसजेंडर्स हो या कुछ जो भी है इलीगल सब चलता है, उसके बारे में भी मैंने वहाँ पर जिक्र किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बंदोबस्त वहाँ पर बढ़ाना चाहिए ताकि ये शाम के वक्त या रात में जो भी चलता है। वो बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे पास आई थी कि रुकवा दीजिए, तो मैंने उसकी भी डिमांड की है कि यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे लगनी चाहिए, यहाँ रात में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस गाड़ी जब जाती है तो हॉर्न इतना ज़ोर से बजा के जाती है कि वो लोग अपने आप जैसे बेल बजती है अभी चलो भागो उस टाइप से वो भाग जाते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, एक दिन रात में मैं गई और वहाँ का सब ऑब्जर्वेशन किया मैंने कि क्या होता है। मैंने एज ए MLA नहीं गई थी, मैं ऐसे आम आदमी की तरह जाके मैंने, ये मेरा एक काम करने का तरीका है कि कहीं जाती हूँ तो मैं मतलब अलग इसमें जाती हूँ और देखती हूँ कि क्या चल रहा है, कौन क्या देता है क्या नहीं देता है सब, तो वो मुझे दिखाई दिया। तो उसके लिए मैंने सिक्योरिटी मांग की। तीसरी बात मैंने बंच बेरी बिल्डिंग के लिए भी की, मतलब ये सवाल हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे था लेकिन मैं वहाँ पर लेके गई कि वहाँ पे बंच बेरी यारी रोड में बिल्डिंग है और वहाँ पे कुछ गुंडों ने वो कब्जा किया है। वहाँ एक रात के 12 बजे एक दिन एक औरत और उसके फैमिली मेरे यहाँ नीचे रोते हुए आए, बोली क्या हुआ क्या नहीं। तो इसलिए मैंने फिर देखा तो कुछ एसिड फेंकने की धमकी या तो फिर हम आपके बच्चों को मारेंगे वगैरह वगैरह सब ऐसे चल रहा था। तो फिर मैंने सीनियर PI को लेके वहाँ पे पूरे बिल्डिंग में गई, मैं क्या हुआ क्या नहीं। अनधिकृत भी वहाँ पे बहुत मतलब उन्होंने बांधा हुआ है और रेहाना नाम की एक बिल्डर की लड़की है उसके घर में पूरी तरह से घुसे हैं, उसका घर नहीं छोड़ रहे, वो भी मेरे यहाँ हर बार आती है। तो उसके घर में घुसे हैं, इसको ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं। तो फिर मैं सीनियर PI को लेके वहाँ पे गई, तो ऊपर जाके टेरेस पे देखा तो जो पाइपलाइन है अपनी
बादल की तो पानी की, तो उसको काट के उन्होंने खाली अपने फ्लैट में लगवा दिया था, इनको मतलब ये बाहर से लेने लगे थे, इस टाइप से सब माहौल दिख रहा था। तो कोई हेल्प नहीं कर रहा था उन लोगों को कि गुंडे रह करके, मैं बोली गुंडों से डरोगे तो गुंडे और डरेंगे, मैं आपके साथ। तो मैंने फिर पुलिस स्टेशन में मैं खुद जाके सब उनका नोट करवा दिया, मैंने पुलिस में कंप्लेंट करवाने के लिए बोला, और सीनियर किया है उन्होंने भी अच्छी तरह से काम किया है इसमें पवार जी ने, और फिर ये मसला मैंने वहाँ पे भी रख दिया कि ऐसे गुंडे हमारे वर्सोवा में नहीं चाहिए, जहाँ पर भी होंगे उनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। सैनिक नगर में भी ऐसा ही है, वो कोई बर्फ करके बैठते हैं और वो भी वहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ देते हैं। बोली पुलिस स्टेशन के सीनियर किया है, उनको भी मैंने बता दिया है, कुछ भी होता है बहुत झगड़े होते हैं और वो सब लेडीज़ यहाँ पे आ जाती है। शायद मैं एक लेडीज़ MLA होने के नाते मुझे एक अच्छा एक ये मिल रहा है कि बहुत सारी लेडीज़ मेरे पास आती है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और मेरा इरादा होता है कि मैं सबको हेल्प करूँ, गरीब है तो उनको ही करती हूँ, लेकिन औरतों को मैं लेडीज़ को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दे के मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ। तो इस टाइप से सब वहाँ पर मैंने डिमांड करके। मैम, पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, और स्पेशली ये 7 बंगलोज में आपने देखा होगा, और जितना भी कमर्शियल है उनके पास तो पार्किंग है ही नहीं। अभी ये खाली वर्सोवा की समस्या नहीं है, ये पूरे मुंबई की समस्या हो गई है कि पार्किंग का इशू कैसे हल किया जाए। अभी इसके लिए ऐसा है कि एक तो धोरणात्मक मतलब जो निर्णय लेना होता है वो लेने के लिए मीटिंग होने वाली है कि क्या करना चाहिए, जैसे हर जगह शॉपिंग सेंटर्स के बाद नहीं होता है पार्किंग नहीं होता है, और कई जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे आप पार्क करते हो तो जैसे आप उठा के गाड़ी लेके जाते हैं वगैरह प्रॉब्लम होते हैं। मैंने भी अपने यहाँ देखा है कि बहुत जगह तकलीफ हो रही है, तो मैंने इसके ऊपर हल निकालने के लिए कुछ सोचा है, मतलब अभी कहाँ पर जगह खाली है, कहाँ पार्किंग दे सकते हैं, कौन जगह दे सकता है कि वहाँ पे हम लोगों को पे कर सकेंगे, इस टाइप से एक सर्वे चल रहा है, उस हिसाब से फिर आगे महापालिका से बात करते हुए मैं उसके ऊपर कुछ करने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊँगी, उसके ऊपर काम चल रहा है। ओके मैम, एक चीज़ और है, जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं वो अलग अलग पार्टी से हैं, कोई कांग्रेस से है, कोई शिवसेना से है, तो आपकी कोई कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है, वर्क में डिले होता है, या किसी भी तरह की कोई पॉलिटिक्स होती है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं, समथिंग लाइक दैट? नहीं, मेरी मतलब मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सबको साथ लेने जाती हूँ, वो भी लोक प्रतिनिधि, जहाँ तक पार्टी की बात आती है वो अलग बात है, एक बार आप चुन के आते हो तो आप लोगों के प्रतिनिधि बन जाते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ, कोई कॉर्पोरेटर हो या कोई। अभी यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको कि मैं जब चुनाव के पहले यहाँ पे सब जगह जा रही थी, तो जैसे मुझसे डिमांड हो रही थी कि हमारा कचरा निकाल के दीजिए, या तो हमें ये सोसाइटी के प्रॉब्लम होते हैं ये करवा दीजिए, पानी का प्रॉब्लम ये करवा दीजिए, या शौचालय बांधने के लिए बोल रहे थे, वो मैंने बहुत सारे काम करवा भी दी, मतलब मेरे इसमें जितना होता है अभी आने के बाद, लेकिन ये बातें ये सब बोलती है कि कहीं तो भी उनके काम नहीं हो रहे ऐसा दिख रहा है जो उनके लेवल पे होना चाहिए था। इसमें उनका जितना उनको जितना ब्लेम किया जाता है उतना ब्लेम हम हमारे जो महापालिका के जो स्टाफ है उनके ऊपर भी किया जा सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से भी पूरी तरह से जितना उन्होंने एफर्ट्स लेने चाहिए, जहाँ पे साफ सफाई ठीक होनी चाहिए या जहाँ पे इलीगल सब खड़ा हो रहा है उसको तोड़ना चाहिए, हम उनको मतलब बोलते हैं कि निकाल लीजिए जल्दी से कीजिए ये सब करवाने के लिए, तो उतने फास्ट वो काम नहीं करते, इसका भी एक प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि इसमें कोऑर्डिनेट होके ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए ऐसा लगता है। अभी आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पे पार्क प्लाजा का गार्डन है और ये मॉडल टाउन का एक गार्डन है, अभी कई सालों से उन्होंने बंद ही रखा है, पता नहीं क्यों बंद रखा था, मेरे पास वो लोग आ गए कि हमें तो एक सुबह में ऐसा लगता है कि अच्छे ऑक्सीजन में हम चले जाए, खुली हवा में घूमें, मैंने बंद क्यों कर रखा है, फिर मैंने खुलवाने के लिए बोल दिया, दोनों गार्डन मैंने खुलवा दिए, खाली ऐसे बंद करके रखे थे, लोग कहाँ जाएंगे बताइए मुझे,
पार्क प्लाजा भी खोल दिया और मॉडल टाउन का भी खोल दिया, लोग खुश हो गए। बात इतनी सी है, इतनी सी बात है। तो ये सब जब बातें हैं, अभी किसके प्रेशर से बंद होता है, किसके प्रेशर से खुलता है, ये सब बात अलग है। लेकिन लोगों को तकलीफ होती है, ये बात है कि लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इतना मैं देखती हूँ। दूसरा, वो अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब में नाट्य गृह एक प्रस्तावित है, उसके लिए भी मैंने डिमांड की थी सीएम साहब के वहाँ कि लोगों को पार्ला में जाना पड़ता है, दादर में जाना पड़ता है, तो वहाँ के नाट्य गृह जल्दी से जल्दी हो जाए तो अच्छा है। तो उसके लिए भी एक मैं बात आपको बताने रह गई थी, वो भी बता दें। बस एक मैसेज दे दीजिए पब्लिक के लिए। बस पब्लिक के लिए तो मैसेज मेरा यही रहेगा कि हमें सबको साथ में रह के काम करना है, सबको साथ में लेके। फिर यहाँ के सब चुने हुए लोक प्रतिनिधि हो, यहाँ के सब समाज के लोग हो और गरीब अमीर, सब सब मिलके हमें यहाँ पे विकास करना है, काम करना है और हमें यहाँ पे ग्रीन वर्सोवा बनाना है, ग्रीन वर्सोवा और क्लीन वर्सोवा। इसके लिए सबका मुझे मतलब हेल्प लगेगी, सबका सहयोग लगेगा और आपके माध्यम से मुझे लगता है ये मिल भी जाएगा।